हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दैट हाउ लॉजिक सर्कर्ट्स कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग बोलियन एल यूजिंग द लॉज ऑफ बोलियन एल सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज़ हमें ए प्लस ए बार डॉट बी को प्रूव करना है कि ये ए प्लस बी के इक्वल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस ए बार डॉट बी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी और यहाँ पे लॉ है वी नो दैट के जो ए प्लस ए बार जो है इट इज़ इक्वल टू वन सो यहाँ पे वन आ जाएगा वन डॉट ए प्लस बी इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सो ये तो है फर्स्ट मैथड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और जो सेकेंड मैथड है इसे ए प्लस ए बार बी को ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करने का दैट इज़ वी नो दैट ये ए है ए को आप लिख सकते हो ए डॉट वन ए बार डॉट बी और हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज किए हैं और ये जो वन है वन को आप लिख सकते हो वन प्लस बी और बी प्लस वन यूजिंग द लॉ और यहाँ पे अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी और यहाँ पे इन दोनों में से आपके पास B कॉमन आ जाएगा और यू कैन से दैट अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड बना लो तो आपके पास आएगा ए डॉट वन प्लस बी आपके पास कॉमन है ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा ए प्लस ए बार अगेन लॉ यूज़ करो अकॉर्डिंग टू द लॉ ए प्लस ए बार क्या है वन और ए डॉट वन क्या है ए एंड वन डॉट बी क्या है बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और इस लेफ्ट हैंड साइड में एज यू कैन सी ए डॉट बी प्लस इन दोनों टर्म्स में से आपके पास डॉट सी कॉमन है और यू कैन से दैट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास उसकी राइट हैंड साइड है इससे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड बना लो कैसे बनाओगे डॉट सी कॉमन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास बी प्लस बी बार और यहाँ पे लॉ लगाओगे ये जो बी प्लस बी बार है इट इज़ वन डॉट सी एंड वी नो दैट वन डॉट सी क्या आएगा अगेन यूजिंग लॉ सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल विच वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो और यहाँ पर आपके पास डी मॉर्गन्स की दो थ्योरम्स हैं डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम अगर आपके पास ए बार प्लस बी बार का होल बार है तो ये किसके इक्वल आएगा इट विल बी इक्वल टू ए बार होल बार डॉट B बार होल बार which इज इक्वल टू A डॉट B. और यू कैन से दैट अगर आपके पास दो टर्म्स हैं A एंड B, इनका जो होल बार है ये किसकी इक्वल आएगा A बार डॉट B बार की दिस इज डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम इस डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ करो तो आपके पास क्या आएगा फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ए प्लस बी होल बार इसका क्या आएगा बार अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करोगे जो प्लस है ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सी बार जो सेकेंड टर्म है इसका भी क्या आएगा आपके पास बार एंड इट इज इक्वल टू बार के साथ बार कैंसल्ड और यू कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा ए प्लस बी डॉट सी विच इज आर राइट हैंड साइड सो बाई यूजिंग डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम सो so, अब हमें प्रूव करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस राइट हैंड साइड सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगेन आप क्या करोगे यहाँ पे भी एक ये टर्म है प्लस एक ये टर्म है और इसका होल बार है इट मीन्स आप डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम जो दोनों टर्म्स का बार है ये क्या आएगा इंडिविजुअल टर्म्स का बार और जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं वो है हमारे पास ए बार प्लस बी होल बार इसका बार आएगा इंडिविजुअल टर्म का प्लस चेंज हो जाएगा डॉट में और सेकेंड टर्म हमारे पास है सी डी बार इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा बार और वी नो दैट कंप्लीमेंट के साथ कंप्लीमेंट कर देगा कैंसल्ड आउट सो आपके पास रह जाएगा ए बार प्लस बी और यहाँ पे कंप्लीमेंट के साथ कंप्लीमेंट कैंसल्ड आउट तो आपके पास रह जाएगा सी डी विच इज़ योर राइट हैंड साइड सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हमें ये प्रूव करना है कि दैट दिस साइड इट इज़ इक्वल टू बी बार तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो एज़ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड की ये इस टर्म पे आप डी मॉर्गन फर्स्ट थिरम लगा सकते हो अगर आप डी मॉर्गन फर्स्ट थिरम लगाओगे इस टर्म पे तो आपके पास क्या आएगा इंडिविजुअल टर्म ए का बार प्लस चेंज हो जाएगा बी में डॉट में और सेकेंड टर्म आएगा आपके पास बी का बार प्लस बी बार और इस बी बार को आप लिख सकते हो बी बार डॉट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाओ तो आपके पास एक तरह से बी बार डॉट आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा ए बार प्लस वन एंड वी नो दैट ए बार प्लस वन इट इज इक्वल टू वन सो वन डॉट बी बार अगेन आपके पास क्या रह जाएगा बी बार विच इज योर राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड सो so, यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस टर्म को सॉल्व करेंगे इस टर्म पे आप लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी बार प्लस ए बी सी एज इट इज इसका होल बार एज इट इज प्लस यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए बी बार और दोनों टर्म्स का होल बार इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस ए डॉट बी एज इट इज प्लस वी नो दैट ए डॉट ए जो है ये आपके पास होता है ए बार और यहां पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आपके पास अब राइट हैंड साइड है इससे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड बना लो मीन ए डॉट आपके पास आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा बी प्लस बी बार और फर्स्ट टर्म एज इट इज अब वी नो दैट ए प्लस ए बार की वैल्यू होती है वन इट मींस बी प्लस बी बार भी क्या आएगा आपके पास वन यहां पे ए डॉट वन आपके पास आ जाएगा ए फर्स्ट टर्म एज इट इज अब आप लगाओ डी डिमोर्गन्स फर्स्ट थ्योरम और डी मार्गनस फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंडिविजुअल टर्म है विच इज दिस इसका सेपरेट कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस चेंज होएगा डॉट में और जो सेकेंड टर्म है इसका सेपरेट से बार आएगा एंड वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इट विल बी कैंसल्ड आउट तो आपके पास रह जाएगा ए बी बार प्लस ए बी सी डॉट विद ए बार अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो आपके पास आएगा ए बी बार डॉट ए बार प्लस ए बी सी डॉट ए बार इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस ए ए बार बी सी एंड वी नो दैट ए ए बार इट इज़ इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी ए ए बार इज ईक्वल टू ज़ीरो सो Right hand side it is equal to zero. Hence proved.